तो गाइस फाइनली आ चुके हैं गांधी सेतु पुल पे। अकी भाई बैठिए बैठिए। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी आ चुके हैं मोटो ब्लॉगिंग मोड में। अभी देख रहे हो रूम से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं अपने मधुबनी की ओर। मधुबनी जा रहे हैं, पटना टू मधुबनी। ये राइड अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं घर से निकल चुका हूँ, तो अभी मैं सिटी में हूँ। बस जस्ट 2 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद आ जाएगा हाईवे, फिर मैं गांधी सेतु पुल ब्रिज क्रॉस करूँगा, फिर आ जाएगा हाजीपुर। तो चलिए अभी चलते। अभी सुबह 5:30 है, तो थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा। जितना दूर लाइटिंग है बस उतना ही दूर आप सबको क्लियर दिखेगा। अब जो सामने जो ब्रिज जो देख रहे भाई, वो चकचक हो रहा है एकदम से। ये जो आप राइट साइड का जो ब्रिज देख रहे हो, इसके ऊपर से जाओगे तो आप बहादुरपुर निकलोगे ऊपर से। अभी हमें जाना है नीचे से जाके आगे राइट टर्न लेना है। सुबह यहाँ पे ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है। ये राइट साइड में जो, सॉरी लेफ्ट साइड में जो आप जो गाड़ी सब जो देख रहे हो, वो सब कहीं दरभंगा मधुबनी सिलीगुड़ी कहीं कहीं जाते हैं गाड़ी सब। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं गांधी सेतु पुल पे। ब्रिज देखिए यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, जो सामने दिख रहे हो यही है गांधी सेतु पुल। इसका मैं आपको कहानी बता देता हूँ, 1 साल पहले की क्या कहानी था। 1 साल को नहीं, जो राइट साइड वाले आप जो देख रहे हो ब्रिज उधर से जो जा रहे हैं, सिर्फ वही लाइन चालू हुई थी, मतलब उसी पे आना जाना हो रहा था। ये अब भी इस बीच में जाके स्टार्ट हुई है, इसलिए अभी ट्रैफिक नहीं लग रहा। नहीं तो ऐसा सीन था ना कि नहीं कुछ तो आपको 3 घंटा से 4 घंटा आपको ट्रैफिक में फंसना ही फंसना था। और जब से ये चालू हो गया ये वाली रूट, तो एकदम फ्री आप जाओ आओ जाओ, और ट्रैफिक नहीं। अगर ट्रैफिक लगा भी तो 5-6 मिनट के लिए ट्रैफिक लगेगा, नहीं तो ट्रैफिक लगने का कोई चांस नहीं है। तो गाइस फाइनली गांधी सेतु पुल अब यहाँ पे एंड होने वाला है। हमने क्रॉस कर लिया जब लगभग 5-6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का भी होगा, मैं देख लेते कितना। और ये 5 या 7 किलोमीटर का ये ब्रिज क्रॉसिंग था। सब ब्रेक लिए थे ये चाय के दुकान पे, आप देख लो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिए थे। और सामने यही हमारा बाइक है। अब तुम बता दो मेरा लगेज कौन सा, एक लगेज ये है, एक ये है, एक बड़ा वाला बैग ये है, और आके उधर गया आग टापने के लिए। तो अभी छोटा सा ब्रेक लिया 5 मिनट का, यहीं पे देख लो अब 5 मिनट का ब्रेक लिया। अभी चाय वाय पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। अब सीधा निकलेंगे, अब रुकेंगे मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे थोड़ा कुछ काम है इसलिए वहाँ पे रुका जाएगा। तो चलिए अब मिलता है डायरेक्ट मोटो ब्लॉगिंग मोड में। तो चलिए गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं, चाय पीने के लिए रुके थे सुबह कुछ नाश्ता भी करके रूम से नहीं निकले, तो यहाँ पे चाय पिए और बिस्कुट खाए, नाश्ता करके अभी जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं। आप सबको दिख रहा होगा कि मौसम भी साफ हो चुका है, और थोड़ा थोड़ा आपको कुहासा देखने को मिलेगा। ठंड तो नेक्स्ट लेवल का भाई, ठंड तो नेक्स्ट लेवल की हो रही है अभी, पूछो मत। वो तो आप सब फील नहीं करो, फील तो अभी मैं ही कर पाऊँगा। अब मेरा भाई जो पीछे बैठा वो थोड़ा मोड़ा फील करेगा, क्योंकि असली तो आगे तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। जस्ट अभी मैंने गांधी सेतु पुल पीछे क्रॉस किया है, और अभी यहाँ से 150 किलोमीटर मधुबनी शो कर रहा है, मैंने मैप पे लगा दिया, अभी फ़ोन में मैप सेट कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं। आप सबको बता दूँ कि सुबह मैं इसलिए निकला क्योंकि सुबह रोड सब खाली रहता है, इसलिए सोचे कि सुबह निकलेंगे 5-6 बजे आराम से मस्त मधुबनी पहुंच जाएंगे 9-10 बजे तक।
तो गाइस चलिए अब निकलते हैं। एक्चुअली इस कारण से रुके थे क्योंकि मेमोरी एरर बार बार बता रहा था कैमरा में, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मेरे कैमरे में, मेरा मेमोरी सपोर्ट नहीं ले रहा, मतलब सपोर्ट ले रहा है लेकिन ज़्यादा टाइम बताता है बार बार फॉर्मेट। अब फॉर्मेट मार नहीं सकते क्योंकि मेरा बहुत ब्लॉग है, 7-8 ब्लॉग है, उसमें तो मैं फॉर्मेट मार नहीं सकता हूँ। तो ये कुछ दिन से यही प्रॉब्लम चल रहा है मेरे कैमरा में। तभी इस यही पे अभी 5 मिनट रुक के अभी सही किया हो तो अभी चल रहा है, मेमोरी सपोर्ट कर रहा है, तभी वीडियो बना रहे हैं। और अभी नहीं कुछ तो -1 डिग्री पे होगा ये टेम्परेचर अभी, और ठंड तो ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल लग रहा है भाई, जैसे लग रहा है पैर है ही नहीं, पैर कट गया वैसे ही लग रहा है। अब लगभग 142 किलोमीटर है यहाँ से, अभी तक हम लोग 10 किलोमीटर चला है गाड़ी, 10 से 15 किलोमीटर अभी और चलाना है यार। तो गाइस आज ये फर्स्ट टोल प्लाजा भी क्रॉस करने वाले हैं, मुजफ्फरपुर का ये टोल प्लाजा है, फर्स्ट टोल प्लाजा भी क्रॉस कर रहे हैं। शायद अभी एक दो और अपने को आगे दरभंगा तक टोल प्लाजा क्रॉस करना होगा। अभी देखो ये साइड में, लेफ्ट साइड, बीच में, राइट साइड, तीनों साइड ट्रक लगा हुआ है, इस सबका तो एक ही है। मस्त टोल प्लाजा के पास मस्त रोकते हैं गाड़ी, चाय सब पीते हैं, निकलते हैं। ये सब मैं तो ट्रक लाइफ जी चुका हूँ, बहुत मज़ा आता है यार ट्रकिंग लाइफ में। मैंने ब्लॉग भी डाला है, बहुत सारा ब्लॉग होगा मेरा हिचहाइकिंग का ब्लॉग, ट्रक से मैंने हिचहाइक करा है, तो वो सब आप मेरे प्रोफाइल में जाके देख सकते हो ब्लॉग सब। और हाँ, आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब सब्सक्राइब नहीं कर तो आप वीडियो को पूरा देखिए जो मेरा चैनल मोनिटाइज हो सके, जल्दी से जल्दी मोनिटाइज हो सके। और 1K पे कुछ सरप्राइज है, जैसे ही 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो मैं कुछ खुलासे करने वाला हूँ, राज खुलासा, कुछ सरप्राइज है। तो वेट करो, 900 सब्सक्राइबर होने दो तब कुछ बताते, कुछ स्पेशल है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे। और गाइस आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि आप सब ने 2 साल से मैं ना ब्लॉग डाल रहा हूँ, कंटिन्यू 2 साल से ब्लॉग डाल रहा हूँ, आज तक मेरा 1K व्यू नहीं गया था ब्लॉग पे। हाँ, फिर शॉर्ट्स में मेरा 1K व्यू गया, 5K व्यू गया, लेकिन कभी 1K 2K में ऐसे नहीं गया। लेकिन जैसे ही मैंने पटना आया, रैपिडो का ब्लॉग डाला, फर्स्ट ही ब्लॉग 3.5K व्यू, सेकेंड 690 व्यू, थर्ड 1.7 के मतलब 1700 व्यू, और एक और ब्लॉग डालो उसमें 2700 व्यू। तो यार आप सब बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो, बट यार उसमें एक चीज़ है कि आप सब वीडियो नहीं देख रहे हो यार, 12 मिनट का 16 मिनट का ब्लॉग रहता, कम से कम 5-6 मिनट भी देखो यार, जो मेरा वीडियो और ग्रोथ हो सके और चैनल मोनिटाइज हो सके। तो प्लीज़ आप सब मेरा वीडियो थोड़ा देखा करिए और कमेंट बताइए कि क्या सही करना है या नहीं सही करना, आप सब कुछ बताओगे तभी मैं कुछ सही कर पाऊँगा। तो आप सब मेरे फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, एक फैमिली है, तो आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।